मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक, किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन का बारे में रूलिंग दिया गया है, और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है, इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है इस सदन में ये बिल पेश करने का। बहुत अच्छी तरह से सबका कंसर्न को भी हमने नोट किया है। मैं बारी बारी से कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो सर, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले 1954 में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए सर, काफी अमेंडमेंट होने के बाद, मैं पूरा इतिहास में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहाँ सदन में आना पड़ रहा है, कि 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये बिल्कुल असक्षम रहा है, और जिस पर्पस के लिए एक्ट लाया गया है वो पर्पस सर्व नहीं हो रहे थे, और कई गलतियां, कई खामियां इसमें पाया गया है, उसके लिए कुछ कदम उठाया गया है। मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, ये एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है, और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा, करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। 1976 में वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट पेश किया गया था, और 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में जो बड़ा रिकमेंडेशन आया है, मैं आपके सामने में सुनाना चाहता हूं। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है, सारा वक्फ बोर्ड्स जो है मुतवालीस के कब्जे में चले गए हैं, उसको डिसिप्लिन करने के लिए
प्रॉपर कदम उठाया जाना चाहिए। 1976 वॉक इंक्वायरी रिपोर्ट का दूसरा रिकमेंडेशन है लिटिगेशन और केसेस जो आपस में मतभेद इतना ज्यादा है उसको सरल करने के लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम को गठन होना चाहिए, उस समय का रिकमेंडेशन था। फिर उसने तीसरे पॉइंट ये कहा कि ऑडिट और अकाउंट्स, वक्फ बोर्ड में ऑडिट और अकाउंट्स का तरीका प्रॉपर नहीं है, उसका पूरा प्रबंधन होना चाहिए, ये उस समय का रिपोर्ट ने कहा गया है। इट रिकमेंडेड द रिफॉर्म्स इन द कैटेगरी ऑफ वक्फ अल औलाद, बच्चों के लिए जो हम वक्फ देते हैं उसको सुधार लाना चाहिए, ये 1976 का रिपोर्ट में कहा गया है। थोड़ा विस्तार में जिसको मैं बताना चाहता हूं दो कमेटियों के बारे में, ये दो कमेटी कांग्रेस के समय में ही बनाया गया था। सबसे पहले हाई लेवल कमेटी अंडर जस्टिस राजेंद्र सचर, ये सर 9 मार्च 2005 में गठन किया गया था, यूपीए का सरकार आ चुके थे और ये स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये गठन हुआ। और सचर कमेटी का जो रिपोर्ट है ये हम सब मालूम है, मैं सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन आज इस सदन में बताना चाहता हूं। सचर कमेटी का जो पहला रिकमेंडेशन है, एनुअल इनकम जितना वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज है, 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी जनरेट होता है, ये किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और इसको एफिशिएंट तरीके से, मार्केट तरीके से, जिस तरीके से मैनेज होना चाहिए सारा वक्फ प्रॉपर्टी को, अगर सही माने में उस समय उन्होंने कहा उस सचर कमेटी ने, तो उस समय 12,000 करोड़ रुपया पर एनम मिलता है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि वो कमेटी का रिपोर्ट है और मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री होने के नाते जो हम लोगों ने स्टडी किया है, टोटल 8,72,320 वक्फ प्रॉपर्टीज, हमारा जो वामसी जो पोर्टल है उससे पूरा डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू सचर कमेटी ने जो कहा है उससे कई गुना अधिक होने का संभावना है। ये एक आम अंडरस्टैंडिंग की बात है, सबको मालूम है। सचर कमेटी ने, आप यूपीए का समय में ही आपने कमेटी का रिपोर्ट एक्सेप्ट किया, उसमें कहा गया कि अभी जो मौजूदा वक्फ बोर्ड है उसको ब्रॉड बेस किया जाना चाहिए, जो लोग इस कमेटी में, जिस वक्फ बोर्ड में है उससे काफी नहीं है, इसलिए इसका ब्रॉड बेस होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए, यह सचर कमेटी का रिपोर्ट का पहला नंबर पॉइंट। इसमें सर दो महिला सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में होना चाहिए, यह भी सचर कमेटी का ही रिकमेंडेशन है। सेक्रेटरी जो होते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस स्तर का ऑफिसर होना चाहिए, जो स्टेट में वक्फ बोर्ड है उसमें क्लास वन ऑफिसर होना चाहिए। सचर कमेटी ने सीधा सीधा ये कहा है कि प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों को दिया जाना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए, यह कमेटी आपने बनाया। दूसरा कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जिसका अध्यक्षता के रहमान खान जी, तो उस समय कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी मंत्री रहा है, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में रहा है, और उन्हीं के अध्यक्षता में पूरा पार्टी के सदस्य, हमारा भारतीय जनता पार्टी से भी मेंबर थे उस जेपीसी में। सर सीधा सीधा वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं है, वहां मैन पावर टोटली इनसफिशिएंट है, इनकम्पिटेंट है, और फंड इतना कम है, सही मैनेज नहीं किया गया है, इस तरीके से वक्फ बोर्ड नहीं चल सकता है। दूसरा मुटावालीज के बारे में कहा है कि लगता है
सारा वक्त वोट का ध्यान किसको मुतवाली बनाना है और उसको कैसे हटाना है इसी में केंद्रित है, इसलिए इसका प्रावधान को हटाना चाहिए। फिर कहा गया है डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उसको प्रॉपर से मेंटेन करने का भी प्रावधान वक्फ बोर्ड में नहीं है, उसको किया जाना चाहिए। और वक्फ बोर्ड मौजूदा जितना है देश भर में उसको फिर से सर्वे होना चाहिए, और गरीब मुसलमानों के लिए और वक्फ बोर्ड का अपना अंदर में सही चीज का, चाहे वो लीगल मैटर हो और कोई भी चीज हो, उसका एक्सपर्ट्स लॉयर्स और भी लोगों को अंदर लाने का जरूरत है ताकि वो ज्यादा चुरुस्त दुरुस्त हो सके। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का और सजेशन है टोटल वक्फ बोर्ड को कंप्यूटराइजेशन करना चाहिए, डेटाबेस को सेंट्रलाइज करना चाहिए, और म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में होना चाहिए जितना भी वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। सर टोटल जो 1995 वक्फ एक्ट को फिर से मजबूती से रीलुक करना चाहिए, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ही रिपोर्ट है। अब देखिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर, आपको मैं मेंबर का नाम भी दे देता हूं, चेयरमैन का तो नाम मैंने बता दिया, आपका वरिष्ठ नेता थे, आपने अपॉइंट किया, ये सारा रिकमेंडेशन आज आप तो हमको शाबाशी देना चाहिए, जो आप नहीं कर पाया वो हम ला रहे हैं सदन में, सारा का सारे प्रॉब्लम, सारा का सारा सजेशन, ये उस समय सबको मालूम कर चुके हैं, ये मन ही मन में सब कन्विंस है, ये राजनीतिक दबाव में अपोज कर रहे हैं, अंदर अंदर सब लोग समर्थन दे रहे हैं, मुझे मालूम है। कुछ इंडिविजुअल केसेस और कंसल्टेशन जो हम आज बिल लाया है, कुछ सदस्यों ने कहा है कि और कंसल्टेशन होना चाहिए था, आपको मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं जितना कंसल्टेशन प्रोसेस पिछले 10 सालों में किया गया है आज तो किसी सरकार ने इतना स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं किया है। मैं आपको बताऊंगा अभी, आप सिर्फ शांति से सुनिए। सर सर मैं फिर से कहता हूं, जो संविधान का हवाला देकर के बिल का पर्पस को, मंशा को गलत धारणा देकर के मिसलीड करना चाहता है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर कुछ काम ऐसा करता है जिसको कोर्ट में रिव्यू करना है तो इसमें सर गलत बात क्या है? अगर ट्राइब्यूनल का फैसला गलत है, अगर उसमें कोर्ट में अपील करने का प्रावधान देते हैं, उसमें गैर संवैधानिक कैसे हो गया ये बताइए आप। आप अगर तर्क रखते हैं तो आप उसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा सर। अगर सर ऐसे केसेस में अभी बताने वाला हूं कि कितने सालों तक वक्फ बोर्ड में बैठे वाले लोग आपस में तालमेल करके और ट्राइब्यूनल में मैटर दे देते हैं और ट्राइब्यूनल अपने तरीके से या पेंडिंग रख देते हैं या दूसरे तरीके से फैसला देते हैं, इसका चैलेंज आप किसी अदालत में नहीं कर सकते हैं। सर लोकतंत्र में, भारत जैसा महान देश में क्या ऐसा व्यवस्था इतने सालों तक चलना चाहिए? सर इन्होंने संविधान का बार बार हवाला दिया, हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं, संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप सर इसमें प्रावधान देखिए, इस 1995 का वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट था। सर क्या ऐसे कानून हमारे देश में होना चाहिए? जो मैं यूएई कई के बारे में बताना चाहता हूं, जब हमारा देश का विभाजन हुआ, यहां से जितना मुसलमान पाकिस्तान गए उनका भी प्रॉपर्टी था, और पाकिस्तान से जितना हिंदू भारत में आए उनका भी प्रॉपर्टी काफी वहां थे। पाकिस्तान में जितना भी हिंदुओं का प्रॉपर्टी है वो तो सरकार ने ले लिया और बाकी जो भी करना था कर लिया, यहां से जो मुसलमान गए उसमें ज्यादातर लोगों ने अपना प्रॉपर्टी को वक्फ के तहत डिक्लेयर करके गए। और सर ऐसा कई केसेस है, मैं अभी बहुत लंबा इसमें नहीं जाना चाहता हूं, ये फैक्चुअल चीज है सर, किसी ने अपना विल अपना डीड दिया है, अपना जो मनसा को साफ किया है, अगर उसका लाभ
मुसलमान महिला या मुसलमान बच्चे को अगर लाभ नहीं मिलता है तो क्या सरकार चुपचाप बैठना चाहिए? सर, ये हमारा दायित्व है, ये इस सदन का दायित्व है कि गरीब महिला कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, कोई भी हो, ये इस सदन का दायित्व है कि न्याय दिलाने के लिए अगर कोई कमी है तो पूरा करना चाहिए। और आज हम सर, आज जो ये अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं उसमें सारा प्रावधान रखा गया है। अब लॉ ऑफ लिमिटेशन तो होना चाहिए ना सर, कहीं सीमा तो होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि मान लो कोई खड़ा होकर कहेगा कि 500 साल पहले मेरा बाप दादा का इस जगह में कोई कार्यक्रम चलता था, नमाज पढ़ा था या किसी ने कुछ किया है, सिर्फ एक बात बताने पर पूरा वो जगह को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता था। ऐसा नहीं कर सकते। लॉ ऑफ लिमिटेशन भी इसी संसद ने बनाया है और लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी ओवरराइड कर दिया था ये 1995 वक्फ एक्ट ने। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा कानून इस देश में कैसे हो सकता है कि बाकी जितना कानून को ऊपर में चढ़ जाता है और उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है? ऐसे हो नहीं सकता। हम कैसे एक्सेप्ट किया है इतने सालों तक? तो ये सर एक अच्छा समय है, जो गलती किया है ठीक है, इंसान से गलती हो जाते हैं और पार्टियों ने भी गलती किया होगा, कांग्रेस पार्टी ने, बाकी पार्टी ने, आज सुधरने का समय है। तो हम सुधर ला रहे हैं, गलतियां हुई हैं, लेकिन जो सुधरते समय कम से कम आप विरोध ना करें सर। और सर सेक्शन 108 स्पेशल प्रोविजन अंडर वेकेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1950 उसको सर हम लोग हटा रहे हैं, क्योंकि ऐसा सेक्शन हमारा देश का किसी कानून में, किसी भी स्टेट्यूट बुक में नहीं रहना चाहिए सर। उसके बाद सर ऐसा इश्यूज पे जाना चाहता हूँ जिससे हमारे सारे सदन को सुन करके उनको कन्विंस होगा सर। पिछले सिर्फ एक साल के अंदर में ऑनलाइन कंप्लेंट 194 कंप्लेंट रिलेटेड टू इंक्रोचमेंट एंड इलीगल ट्रांसफर ऑफ वर्क लैंड, एक साल के अंदर में, और 93 कंप्लेंट अगेंस्ट वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स एंड 279 एक जनरल कंप्लेंट ये ऑनलाइन हमारे पास में पोर्टल में आया है। मुसलमानों को गुमराह करके यहां बात रखा जा रहा है। कल देर रात तक मेरे पास में मुसलमानों का डेलीगेशन आते रहा और हमसे पहले भी कितने लोग मिले हैं। और इसको आप ये सोचते हैं कि क्या सर, ये क्या बोहराज कम्युनिटी का संख्या कम है, इसके लिए ये महत्व नहीं देंगे क्या? सर अहमदियाज ये कम संख्या है, इसलिए क्या उनका सोच, उनका प्रॉब्लम्स का नजरअंदाज करेंगे सर? सर आगा खानी संख्या कम है, क्या उसके बात को नहीं सुना जाना चाहिए सर? एक कम्युनिटी डोमिनेशन करके अगर छोटे छोटे लोगों को कुचल देंगे तो फिर हम इस सदन में बैठ करके हम न्याय कैसे दे सकते हैं? इसलिए ये एक तरफा आवाज उठा करके पूरा मुसलमान के नाम से ये लोग एक तरफा, ये कुछ चंद लोगों का आवाज यहाँ आज बुलंद कर रहे हैं इस सदन में सर। वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोग कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक के चक्कर से नहीं बोल रहा है, मगर प्राइवेटली हर एक मुसलमान आकर के कहता है। नाम तो हम बताएंगे नहीं सर, मैं आप लोगों का पॉलिटिकल इश्यू में खराब नहीं कर दूंगा। कौन कौन सा एमपी ने मुझे आके बताया कि पार्टी विरोध कर रहा है लेकिन अंदर से हम साथ दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं नाम लेकर के एमपी साथियों का पॉलिटिकल करियर को मैं बर्बाद नहीं करूंगा सर। सर कंसल्टेशन का जहां तक आता है सर, कंसल्टेशन हमने कई लेयर्स में कंसल्टेशन किया है सर, ऑफिशियल लेवल में,
पॉलिटिकल लेवल में स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव से और इंडिविजुअल लेवल में बहुत वाइड कंसल्टेशन देश भर में हम लोगों ने किया है सर। हमारे से पहले जो मंत्री थे इस मंत्रालय के, सब लोगों ने बहुत बारीकी से समस्याओं का भी पहचान किया और कंसल्टेशन प्रोसेस भी बहुत ब्रॉड बेस किया है सर। 2015 के बाद एक्टिव कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, ऐसा मत सोचिए ये 2024 में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर के अचानक आया है, मत सोचिए। ये मैं आपको बताने वाला कितना एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कंसल्टेशन करके आज ये बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं सर। अलग अलग समुदाय के जितना मैंने नाम लिया सर, अहमदियाज है, बोरास, पसमंदास, आगा खानीज, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव और जितने पिछड़े मुसलमानों के अंदर में, सबसे लेकर के 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सीईओस और उनके और भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव सबसे बात शुरू किया है सर। 2015 में पटना में कंसल्टेशन प्रोसेस किया, फिर उसके बाद में 16 अप्रैल में नई दिल्ली में, फिर 12 तारीख अक्टूबर 2015 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका बैठक हुआ, उसके बाद 2015 में 11 नवंबर का दिल्ली में, फिर उसके बाद 7 जनवरी 2017 में फिर दिल्ली में, 8 मार्च 2018 दिल्ली में, इस तरीके से फिर 13 जुलाई 2023 में मुंबई में, उसके बाद 2024 जुलाई 23 में फिर लखनऊ में, उसके बाद फिर 7 नवंबर 2023 नई दिल्ली में सर। और ये जो प्रोसेस है लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही है अखिलेश जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश का राजधानी है सर, आप मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ। जो लेटेस्ट कंसल्टेशन जो हुए हैं मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें सर जनरल पब्लिक जो आम मुसलमानों के साथ चर्चा हुई, क्योंकि हमारा मंत्रालय ने खुले मन से कहा कि इंडिविजुअल लेवल में भी आपका कोई इश्यू है आप आ सकते हैं, आप बात रख सकते हैं, मंत्री के साथ मुलाकात कर सकते हैं और अधिकारियों के साथ आप मिल सकते हैं। उस समय सर मुंबई में रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द जनरल पब्लिक के साथ साथ और भी ऑफिशियल से भी हमारी बैठक हुई और उसमें स्टेट वक्फ बोर्ड को इम्प्रूव करने के लिए और कदम क्या क्या उठाना चाहिए उसका सुझाव वहां में आया। यहाँ दिल्ली में बैठक हुए, विज्ञान भवन में बैठक हुए और उसमें काफी इश्यूज है जो मैंने आपके सामने में रखा, सारे के सारे इश्यूज उसी दौरान हर स्टेट, मैं अधिकारी का नाम नहीं बताऊंगा मगर मैं स्टेट का नाम जरूर बताना चाहता हूँ, आंध्र प्रदेश से आए, आप सुनने का क्षमता रखेंगे तो मैं तो, आप लोगों ने इतना सवाल किया मुझे तो लगता है कि कम से कम 3 घंटा मुझे बोलना चाहिए, इतना आप लोगों ने गलत धारणा यहाँ में फैलाया है। आंध्र प्रदेश, असम से, बिहार से, बिहार में सुन्नी वाला आए, दिल्ली का, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का शिया और उत्तर प्रदेश सुन्नी दोनों इस बैठक में पार्टिसिपेट किया और पूरा डिटेल में ये जो आज हम अमेंडमेंट बिल लेके यहाँ आए हैं, ये सारे चीजें आपके हर एक स्टेट का जब आपका प्रतिनिधि आए सभी ने ये कंसर्न रेज किया है और उसी को एड्रेस करके आज आपके सामने में मैं लेखा जोखा पेश कर रहा हूं सर। वक्फ बोर्ड का जो मैनेजमेंट है और ट्राइब्यूनल के खिलाफ भी कितना आक्रोश है आपको अंदाजा नहीं है। कुछ केसेस मैं आपके सामने में लाना चाहता हूं। सबसे पहले तो अहमदियाज की ओर से कई रिप्रेजेंटेशन जो मेरे पास आए हैं, एक इंडिविजुअल केस है बोरा समाज का सर। मुंबई में एक ट्रस्ट है, 1944 में उस समय हाई कोर्ट ने सेटल कर दिया गया सर, उसका स्टेटस साफ करके रखा हुआ है और आप लोग सब जानते हैं दाऊद इब्राहिम का नाम
वो उसके आसपास वहां रहते थे और वो प्रॉपर्टी सेटल हो चुके हैं। और बाद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम शुरू किया और एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम का उसी जगह में लॉन्च किया गया है। ऐसा समय में जो आदमी इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, गुजरात में किसी एक ने इस प्रॉपर्टी के खिलाफ में वक्फ बोर्ड में कंप्लेन कर दिया और फिर वक्फ बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया। अब आप सोचिए सर, जो आदमी ना वो शहर में रहता है, ना इतिहास में उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है, ना वो राज्य में रहता है, कहीं और का है और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंप्लेन करके वक्फ बोर्ड के माध्यम से इंटरफेयर करके डिस्टर्ब किया। आप सोच के देखिए, और वो कम्युनिटी के लोग जो हमसे मिलने आते हैं उसका दिल के अंदर में कितना दर्द होता होगा। मैं मिलने का समय में मुझे समझ में आ गया था कि ये इसका क्यों सॉल्यूशन नहीं हुआ। मीडिया के अंदर में काफी चर्चा हुई है ये केस जो मैं आपको बताने वाला। तमिलनाडु के अंदर में तिरुचेंदुराई इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहां 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल मंदिर वहां मौजूद थे और वहां बेचारे एक वहां के गांव में रहने वाले, उसको पता भी नहीं है, वो अपना जमीन बेचने के लिए 1.2 एकर जो बेचने के लिए गए तो आप बताया गया कि आपका गांव तो वक्फ का जमीन है, पूरा पूरा गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। आप सोचिए, वो गांव का इतिहास 1500 साल पुराना है और सारे के सारे गांव को वक्फ का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। इस तरह का जो चीज होते हैं इसमें धर्म मत देखिए, धर्म मत देखिए। इसको इस देश का नागरिक होने के नाते विशेष रूप से हम लोग सब सांसद है इस सदन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते, ये कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु हो या उत्तर प्रदेश हो, ये मत देखिए। ये कैसा इस तरह का घटना हो गया कि आप चिंता नहीं होते आपको ये सब घटना सुन करके? ये चिंतित होना तो स्वाभाविक होना चाहिए। सर, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सोचिए, ये तो कोई, ये सब कोई प्राइवेट लैंड तो है नहीं। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरा हेडक्वार्टर को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। आप सोचिए सर, सरकारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्या किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है? हो सकता है। म्युनिसिपल प्रॉपर्टी का जमीन आप कैसे वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं सर? सिट डाउन राजा, आप बैठिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, मैं अभी यील्ड नहीं करूंगा सर। मैंने शांति से आप लोगों का बात सुना है। कर्नाटका स्टेट का 2012 में कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट का सुनिए, जो रिपोर्ट मेरे सामने में आई है 2012 में कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के रिपोर्ट में कहा गया कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने 29,000 एकर्स ऑफ लैंड को कमर्शियल पर्पस में कन्वर्ट कर दिया। और इसको अगर आप हिसाब किताब करोगे तो आप समझ सकते हैं। लेकिन सबको मालूम है वक्फ प्रॉपर्टी को किस पर्पस में आप इस्तेमाल कर सकता है? ये रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए और पायस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आप मनमानी कर रहे हैं। तो एक कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड का इतना मनमानी कर रहे थे तो कम से कम बाकी तो नहीं सही, कम से कर्नाटका से चिंता कांग्रेस एमपी तो कम से कम बोले ना इसमें। एक इंडिविजुअल केस फिर मैं साइड करना चाहता हूँ, डॉक्टर बारिये बुशरा फातिमा का केस सर। ये लखनऊ का है अखिलेश जी, ये चिंता नहीं कर, और ये शायद आप मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये आपको किसी ने बताया नहीं क्या? बेचारे वो महिला अपने बच्चे के साथ में किस मुश्किल हालात में जी रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो अभी सिस्टम है, अगर अमेंडमेंट नहीं किया गया तो जो प्रॉपर्टी इनका पिताजी अगर गुजर जाएंगे तो ये सारा प्रॉपर्टी उसको और उसको बच्चे को नहीं मिलेंगे। तो क्या हम इंटरवीन नहीं करना चाहिए ऐसे समय में? उनको इंसाफ देने के लिए क्या हमको कदम नहीं उठाना चाहिए? जब बिल पेश करता है तो उसका एक फ्यूचरिस्टिक विजन और इंटेंट सामने में आना चाहिए सर। अब ये बिल
आज जब पेश किया जा रहा है उसका नाम होगा यूनाइटेड वक्त एक्ट, मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। शॉर्ट में उम्मीद, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बिल के प्रावधानों को समझते हुए आप पुरजोर समर्थन करेंगे सर। किसी भी प्रॉपर्टी को जो अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो डिक्लेयर करने का आपका अधिकार तो होना चाहिए। 2013 में क्या किया, कोई भी आदमी वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। हमने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते, जो मुसलमान है वही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं और नॉन मुसलमान नहीं कर सकते। नहीं तो सर ये फ्यूचर में जब जवाब देते समय हम डिटेल बोलेगा कि इसका डेंजरस कोनोटेशन क्या हो सकता है। अगर किसी को भी आप वक्त टाइटल डिक्लेयर करने के लिए इजाजत देंगे तो फिर ये कैसे हो सकता है सर। इसलिए हमने पुराना डेफिनेशन में वापस जा रहे हैं सर। कलेक्टर जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं क्या कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करते हैं क्या? वो रेवेन्यू उसी के पास रहते हैं जी, रेवेन्यू का रिकॉर्ड कलेक्टर के पास ही रहते हैं सर। और ये बोलते हैं कि कलेक्टर के पास ये रेवेन्यू वाला काम कलेक्टर को नहीं देना चाहिए, तो कलेक्टर का काम क्या है बताइए फिर? कलेक्टर बनाया इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने के लिए। सर्वे कमिश्नर का काम काज को लेकर के इतना जो रिकमेंडेशन मैंने बताया वो ऑब्जेक्शन सिर्फ हमने नहीं किया, जितना कमेटियां आपने बनाए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाया, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन आया है, ये सब आपके समय के हैं। उसी समय में ही सचर कमेटी बनी है, उसी ने कहा है कि प्रॉब्लम सर्वे कमिश्नर में है, इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड का साथ जोड़ के सारा प्रॉपर्टी का वैलिडेशन होना चाहिए और जिला कलेक्टर को इसमें लाना चाहिए। ये अभी का रिपोर्ट है, हम तो सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहे हैं सर। ट्राइब्यूनल्स जो बने हैं हम ट्राइब्यूनल को खत्म नहीं कर रहे हैं। पहले ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होते थे, अब हम प्रावधान रख रहे हैं कि इसमें एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर होगा। और इनको मालूम नहीं है इस देश में जितना भी ट्राइब्यूनल बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं, और इतने जज ही बनाया जाता है, जितना ट्राइब्यूनल में उसमें टेक्निकल मेंबर जो होते हैं वो अधिकारी को बनाया जाता है, लेकिन जो जुडिशियल मेंबर होता है वो रिटायर्ड जज ही होते हैं। इतना तो समझना चाहिए, 5 बार MP हो चुके हैं सर। सर हम लोग 7 साल आए लोकसभा में, इतना तो जानना चाहिए। हम लोग एक समय चुन के आए, एक समय हम लोग एक साथ में आए थे, अभी तो इसको ये मालूम नहीं है सर। सर टोटल केस ट्राइब्यूनल्स के अंदर में 12,792 केसेस आज वक्त बोर्ड्स में पेंडिंग है, 19,207 ट्राइब्यूनल्स में पेंडिंग है। क्यों इसको हम लोग डिस्पोज नहीं कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही पड़े रहे? टाइमलाइन हमारे लिए बहुत जरूरी है, न्याय मिलना चाहिए लेकिन समय पे न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए सर इस नए बिल में प्रावधान किया, मैं सदन में आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। अब हमने टाइमलाइन सेट कर दिया है, फाइलिंग जो भी होता है उसका अपील 90 डेज के अंदर में होना चाहिए और डिस्पोजल ऑफ द केसेस 6 महीने के अंदर होना चाहिए। अब ये बिल पास होने के बाद ये जो हजारों केसेस पेंडिंग है इसका पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, निवारण हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। वक्फ बोर्ड में साइंटिफिक तरीके से बहुत ही एफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट तरीके से वक्फ बोर्ड चलाने के लिए पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग किया जाएगा और बिल्कुल ये हर समय ये निगरानी में रहेगा। हमारा मंत्रालय से ओवरसाइट कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहेगा वक्फ प्रॉपर्टी का सारा प्रावधान, ये प्रावधान किया गया है सर। सर सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, उसमें सारा अकाउंट्स का फॉर्मेट होगा और साथ साथ में जो मुतावाली से जिसका खिलाफ इतना कंप्लेंट करते हैं उसको अकाउंटेबल बनाया गया है कि गलत काम करेगा तो उसका खिलाफ कार्रवाई होगा सर। और सर मंत्रालय ने ये सारा पोर्टल को गति शक्ति इकोसिस्टम के साथ हम लोगों ने इंटीग्रेट करने का ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर चुके हैं सर। बहुत महत्वपूर्ण जो मैं कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है,
अब जो नया बोर्ड होगा सर, सेंट्रल वर्क काउंसिल और स्टेट वर्क बोर्ड होगा, इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अनिवार्य हो गया है। महिला इसमें रहेंगे और इसमें मुस्लिम महिला और जितना अलग डिनोमिनेशन है, बोरास, आगा खानीज और अदर बैकवर्ड क्लासेस अमंग्स मुस्लिम, इनको भी हमने बोर्ड में स्थान देने का निर्णय किया गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, बौद्ध हो सकते हैं, पारसी, सिख, सब हो सकते हैं। इसलिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस